जय बाबा गुरु गोरखनाथ। अरे बेटा, ओ बेटा, अरे बेटा, ऐसे इस हालत में तुम बेटा? हाँ बाबा। अरे बेटा, ये बताओ इतनी कम उम्र में तुम्हारा कौन ऐसा दुश्मन है बेटा, जो आज तुम्हारा ये हल कर दिया है बेटा? ये तुम्हारे शरीर पर इतना सारा चोट का निशान, बताओ बेटा। रो मत बेटा, बोलो। का बताएं बाबा, हमारे साथ तो वो अन्याय भइल बा जौने दुनिया में केहू के साथ ना भल होई। अरे बेटा, ये कैसी बातें बोल रहा है बेटा? हाँ बाबा। क्या हो गया बेटा, बताओ बेटा। सुनी बाबा, मिसली सावर लीजे ही दूधवा पिया वाली हो, उहे चहली खुनवा पाई हो। ये तो क्या बोल रहा है बेटा? एक माँ अपने बेटे के प्रति ऐसा अन्याय कैसे कर सकती है बेटा? हाँ बाबा, ऐसा हमारे साथ भइल बा बाबा। अच्छा, तो आगे की बात भी बता बेटा। ठीक है बाबा, तो आगे का बात भी सुनी बाबा। सुनाओ बेटा। दूसरा के संग है गुरु गोरखनाथ। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ मालिक? अरे बेटा, ओ बेटा, आगे की कहानी बताओ बेटा। सुनी बाबा, दूसरा के संग है रहली घर के भीतरिया, देखले हनी हम अपना आँख से, मारी
बेटा तेरी कहानी तो बड़ी दर्दनाक है बेटा, आगे क्या हुआ बेटा, बताओ बेटा। ठीक है बाबा, आगे का दास्तान सुनी बाबा। ठीक है सुनाओ बेटा। पिछाला से मारी जहली माई मेरे दैया, बाबू जी गिर ले मुर जाई हो। बेटा
वापस कर दा बहनी। अरे तुहार लेकर ना, ये हमार लेकर है, तुम दिमाग खराब भल है। ये हमार लेकर चिनात ना है, पगलाई लुका तू। अरे ना बहनी, हम अपन लेकर भली भांति चिनत हैं बहनी। अरे हमार लेकर है, तुहार लेकर है, तुम दिमाग खराब भल है। अरे ना, ऐसे मत बोला बहन, हमार बात सुना। लाल के सूरत बाबूजी, आप खुद देख लें बाबूजी।
अरे मुखिया जी इहो सही बोला दिया बाएं हाथ पे बाटे एगो दिल का निशाना हो लालनवा बिना सुन बाटे घरावा दुआरावा हो लालनवा बिना मुखिया जी इहो औरतिया सही बोल दिया और वो औरतिया सही बोल दिया कुछ समझम ना उठल लइका के दिहल जा मुखिया जी हमके दिहल जा हमार लइका बा नहीं मुखिया जी हमार लइका बा ई झूठ बोलत छ नहीं मुखिया जी हमार लइका विश्वास मानी हमार नहीं मुखिया जी हमार लइका ई झूठ बोलत छ नहीं मुखिया जी हमार लइका झूठ बोल रे तू झूठ बोल रही अब झूठ खोल ले हरिया जी मुखिया जी जो घर से आरी लेकर इनका फैसला ऐसे ना अब्बा हम फैसला करती नहीं थे मुखिया जी आरी लेके आ गई नहीं हरिया ये लड़का का दूध टुकड़ा कर आ एक हिस्सा वो औरत के दे दे आ एक हिस्सा ये औरत के दे दे ये हमारा फैसला हथवा जोरी साहेब करी लाया जिया हो अरे करी लाया जिया हो अरे हिरवा के जनावा जानी इसी औरत का है हरिया ये लड़का इस औरत को दे दे।
चार दिन के बाद लौटनी है बाबा, तनी कुछ भाव भजन सुनाई बाबा। अच्छा बच्चा, भाव भजन के सुनल चाहत रह तू तो हम जरूर सुनाई बच्चा। सुना आखिर कहानी बा कैसे, आज सब माता बहन लोग बैठल बा, भैया चाचा बाबू ये कहानी के रमा सब ध्यान से सुनब तो बहुत समझ में आई। सुनी रमा सभे, चाहे सतज गुत्रेता द्वापर में घटना पे आधारित बा बाबू, ध्यान से सुनना। जब वो करना ही दाल गलन
कर देवेला कैसे। जब करना ही दाल गलल देवरे संग मिल के चाल चलल काटी के पियावा के अंगना में काटी के पियावा के अंगना में ओ पापिन दफनावे ले तिरिया सब के भैया। जब ओ लड़का के साथ भीषण भइल ह तो जब ओकर माई सुतेली रात में तो माई के सपना में आके वो बेटा जगावता कहता हरी माई जहाँ तू सुतल बाड़ी न माई वही खाट के नीचे हम दफनावल बाड़ी रे माई हमरा के दफना गइल बा माई। सुनी भैया लोग कैसे कि आत्मा सपना में आके और माई के रुदकारत या जगावत या कि माई रे हमारा साथ ऐसा ऐसा भाई देख माई चलल कि ऐसन बात भइल बा हमरा बेटा के साथ तब भैया हो उमतारी छाती पीट पीट के रोवे लगतिया आ गांव भर के लोग जुटे लगता ने लोग आ पूछताछ होखे लगता आ आगे भइल का भैया आई सुने भोरे जब यंग जी आपन अपने किनार किनल हो भैया।